हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शायन। सो गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कुछ दिन पहले ही, उस स्टोरी में मैंने ये बताया था कि आस्क मी एनीथिंग अबाउट हेयर जेल्स। हेयर जेल्स के बारे में आप लोगों को कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वारीज है, तो मुझे प्लीज़ आस्क कीजिए मुझसे कुछ भी, तो मैं उसका रिप्लाई में एक वीडियो बनाऊंगा। कि ये जो वीडियो है ये उसके ऊपर ही है। तो आप लोगों में से बहुत सारा क्वेश्चन आया था हेयर जेल्स के ऊपर, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। आप लोगों में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था वो है कि क्या हेयर जेल में जो केमिकल्स या फिर जो अल्कोहल रहता है वो क्या स्कैल्प को ड्राई करता है, क्या हेयर को ब्रेकेज करता है, या फिर उससे क्या हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो सकता है या फिर नहीं। इस हेयर जेल्स जो है वो कभी भी अपने हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक नहीं करता है एंड जो हेयर ग्रोथ के ऊपर कभी कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। बट अब जो है मार्केट में बहुत सारा न्यू ब्रांड्स आ गया है हेयर जेल्स के ऊपर, तो फिर वो लोग जो केमिकल्स जो अल्कोहल यूज करते हैं अपने जेल्स के ऊपर वो ज़्यादा यूज़ करने पर आपका स्कैल्प जो है ड्राई हो सकता है एंड रेगुलर यूज़ करने पर जो है आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसीलिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि एक वाटर बेस्ड जेल ही आप ऑलवेज यूज़ कीजिए, जैसे कि सेटवेट जेल, वो एक वाटर बेस्ड जेल है, इससे आपको हेयर पे जो है इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था वो है हेयर जेल्स में जो केमिकल्स जो अल्कोहल रहता है क्या वो स्कैल्प को इरिटेट करता है या फिर हेयर को ग्रेइंग करता है। हेयर जेल्स जो कभी भी अपने स्कैल्प को इरिटेट नहीं करता है एंड हेयर को भी ग्रेइंग नहीं करता है। बट अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि बहुत सारे ब्रांड्स आ गया है जो मतलब कुछ भी डाल देते हैं प्रोडक्ट्स में, उसके हिसाब से बाकी सारे ब्रांड्स जो बदनाम हो रहा है। तो इस हेयर जेल्स में जो थोड़ा सा केमिकल या फिर अल्कोहल रहता है तो वो सिर्फ अपने हेयर को टेक्सचर देने के लिए होता है, उससे कभी भी हेयर को मतलब स्कैल्प को इरिटेट वो नहीं करता, हेयर को ग्रेइंग भी नहीं करता है। ऑलवेज यही बोलता हूँ कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जो भी मार्केट में मिलता है नया आ गया वो अपने खरीद लिया, यूज़ कर लिया, ऐसे मत कीजिए। जो हेयर जेल्स के जो लीडिंग ब्रांड्स है सेटवेट, वही आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हेयर जेल अपने हेयर को रफ कर देता है, तो किस कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले से हेयर जेल्स यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तो हेयर वैक्स, हेयर क्लिप, हेयर पोमेड बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चला है दो तीन साल से यूज़ करो। बट बचपन से जो है सभी को एक ही प्रोडक्ट मालूम था, वो है सेटवेट का हेयर जेल। तो बचपन से मैं सेटवेट का हेयर जेल्स यूज़ करता हूँ, तो गाइस अभी भी मेरे हेयर पे रफनेस नहीं आया, मेरा हेयर स्टील जैसा था वैसा ही है, आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा था पहले वैसा ही अभी तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम हेयर पे जब हेयर जेल यूज़ करते हैं तो हेयर जेल के ऊपर थोड़ा सा वाटर मिक्स करके हेयर पे यूज़ करें, तो गाइस कभी भी नहीं, क्योंकि हेयर जेल जो है उसको वैसे ही बनाया गया है कि हेयर को अच्छे से टेक्सचर एंड होल्ड देने के लिए। फिर भी आप हेयर जेल्स के साथ वाटर मिक्स करेंगे तब क्या होगा, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो लाइटन हो जाएगा, मतलब वो पतला हो जाएगा दिखने में एंड वो अपने हेयर के ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा एंड हेयर को स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं देगा, हेयर पे टेक्सचर नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो गाइस कभी भी हेयर जेल के साथ वाटर मिक्स करके कभी भी मत यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझको पूछा था कि वो हर रोज जो है ऑयल से अपने हेयर को स्टाइल करता है एंड वो जो है स्टाइल नहीं रहता है, वॉल्यूम नहीं आता है, टेक्सचर नहीं आता है, होल्ड नहीं रहता है, तो वो क्या यूज़ करके अपने हेयर को जो अच्छे से स्टाइल करे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको हेयर प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ हेयर जेल्स ही यूज़ कीजिए एंड उससे अपने हेयर को स्टाइल कीजिए, क्योंकि हेयर जेल्स जो है उससे अच्छे से बहुत ही आसानी से हेयर स्टाइल हो जाता है एंड आपको ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है एंड ज़्यादा कुछ टूल्स की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रायर या फिर कुछ भी ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट जेल से आप अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो। बट ये सब एक गुड क्वालिटी का अच्छा हेयर जेल्स यूज़ करें एंड ज़्यादा थोड़ा खर्चा करें बट अच्छा क्वालिटी का कीजिए, क्योंकि क्या है वो लॉन्ग टर्म में अपने हेयर को जो अच्छे से हेल्दी रहेगा। जैसे कि सेटवेट का हेयर जेल जो अपने हेयर के लिए अच्छा होता है एंड उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेयर के लिए थोड़ा सा भी हार्मफुल नहीं है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे हम एक राइट हेयर जेल्स को चॉइस करें, क्योंकि अभी जो है मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है उसमें से चॉइस करना बहुत ही मुश्किल है एंड बहुत लोगों को डर लगता है कि हेयर जेल यूज़ करने पे हेयर फॉल होगा, हेयर ग्रे हो जाएगा एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ये सब बहुत लोगों को डर लगता है। तो कैसे एक सही हेयर जेल्स चॉइस करें, तो इसमें यही रिकमेंड करूंगा कि एक अच्छा जो लीडिंग ब्रांड है हेयर जेल्स का जो है सेटवेट, हम लोग बचपन से यूज़ करके आ रहा है एंड मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ सेटवेट बहुत पहले से, क्योंकि पहले जो है ऑनलाइन से प्रोडक्ट मेरे घर पे नहीं आता था एंड ये सब वैक्सेस एंड ये सब के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो गाइस नियरेस्ट जो स्टोर है वहाँ पे सिर्फ सेटवेट ही मिलता था एंड सेटवेट मैं बचपन से यूज़ कर रहा हूँ एंड गाइस ये जो है हेयर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता है एंड हेयर पे जो बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, बहुत अच्छा साइन देता है, टेक्सचर देता है एंड होल्ड भी बहुत अच्छा देता है। एंड गाइस कोई भी लाइफ में सबसे पहले जब हेयर प्रोडक्ट कोई भी यूज़ किया होगा कुछ भी, तो सेटवेट जेल ही शायद यूज़ किया होगा, क्योंकि सेटवेट जेल ही एक लीडिंग जेल ब्रांड है जो इंडिया में हर अच्छे क्वालिटी का गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सभी को देता है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर जेल यूज़ करने के बाद ओवरनाइट उसको हम हेयर पे रख सकते हैं या फिर
सोने से पहले उसको वॉश करना जरूरी है। तो गाइस हेयर जेल्स जो है उसको सोने से पहले जरूर वॉश कर लेना। आप एक बार जस्ट वाटर से वॉश कर सकते हैं, जैसे कि सेटवेट एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आप उसके लिए जो है शैम्पू की नहीं जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आप वाटर से एक बार वॉश करके रात में सो सकते हो। बट अदरवाइज जो मिलता है जो जेल्स उसमें क्या, वो सारे जो वाटर बेस्ड नहीं होता है, तो उसके लिए आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगा। या फिर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो आपको हेयर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, हेयर ग्रेइंग हो सकता है, हेयर ड्राई हो सकता है। सो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने से ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा टेक्सचर, ज्यादा होल्ड मिलता है? तो गाइस वो कभी भी नहीं। अब ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने से ज्यादा होल्ड मिलेगा ऐसा कुछ मतलब नहीं है। सब कुछ, हर एक प्रोडक्ट का जो है यूज करने का एक क्वांटिटी होता है, आप उस क्वांटिटी का यूज करोगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप उससे कम क्वांटिटी यूज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप ज्यादा क्वांटिटी का यूज करोगे फिर भी आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब कुछ का एक नॉर्मल क्वांटिटी होता है, आप उतना यूज करोगे तो आपको सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपको कितना क्वांटिटी का यूज करना है एंड जिससे आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस मैं इस वीडियो में सेटवेट के हेयर जेल आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक यही है, क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ पर्सनली। तो गाइस इसको जो है थोड़ा सा क्वांटिटी में ही आपको लेना है, आपका हेयर के हिसाब से आपको लेना है। तो इसको लेने के बाद हाथों में थोड़ा सा रब करना है, देन अपने हेयर के ऊपर फिंगर टिप के थ्रू अपने हेयर के ऊपर ऊपर से आपको लगाना है। देन आपको जैसा भी स्टाइल करना है वैसा आप रख दीजिए हेयर को। देन कुछ टाइम बाद हेयर जब ड्राई हो जाएगा तब आप देखना अपने हेयर जो है एकदम फिक्स्ड हो गया है, एकदम हेयर जो है पूरा हाई हार्ड होल्ड हो गया है, एकदम अच्छे से टेक्सचर आ रहा है। एंड जो है आपको इसको रिस्टाइल भी कर सकते हो, आपको नेक्स्ट कुछ भी स्टाइल करना है, आप थोड़ा सा वाटर लिया हाथों पे, एंड सेटवेट जो है ये एक वाटर बेस्ड है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वाटर लिया एंड हेयर को रिस्टाइल फिर से कर लिया, एक बहुत ही अच्छा जो है इसका बेनिफिट्स है। तो बस यही है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ करने पर ज़्यादा मिलेगा होल्ड, ऐसा कुछ मतलब नहीं, आपको नॉर्मल जितना चाहिए आपके हेयर के हिसाब से उतना ही आपको क्वांटिटी का यूज़ करना है। सो बस आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, यार बहुत मेहनत करके बनाया है वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जाना एंड गाइस एक शेयर ज़रूर करके जाना, क्योंकि इतना मेहनत करते हो यार आप लोगों के लिए, आप लोगों को तो इतना फर्ज बनता है कि एक लाइक करने का, तो बस ज़रूर एक लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड कुछ भी बात है तो कॉमेंट्स पर लिखिए, एंड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करके। मुझसे और कुछ भी बात करना है तो मेरा एवन इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे मुझको DM कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।